जोन नाम का ये आदमी एक टाइगर को खरीदता है। ये टाइगर करीब 7 दिन से भूखा है। दरअसल ये अपने बच्चों को मारना चाहता है। अब जोन उस टाइगर का पिंजरा खोलकर उसे घर में छोड़ देता है। तभी केली नाम की ये लड़की जो जोन की बेटी है उसे घर में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी केली को अंदर टाइगर दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और अपने भाई को लेने उसके कमरे में जाती है। लेकिन वो वहाँ नहीं होता और वो अपने भाई को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता है। केली अपने घर के मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तभी टाइगर उसकी तरफ आने लगता है। केली जल्दी से एक चिमनी में छुपकर अपने भाई के कमरे में चली जाती है और टाइगर से बचने के लिए बेड के नीचे छुप जाती है। लेकिन तभी वहाँ टाइगर आ जाता है और वो किसी तरह वहाँ से बचकर एक अलमारी में छुप जाती है। टाइगर भी इस अलमारी को तोड़ने लगता है लेकिन केली किसी तरह वहाँ से निकल जाती है और उसे वहाँ पर बंदूक मिल जाती है। अब वो एक लकड़ी पर आग लगा देती है तभी उसके सामने वो टाइगर आ जाता है और केली बिना डरे उस पर गोली चला देती है लेकिन टाइगर पर कोई असर नहीं होता है। अब अगली सुबह जोन एक बंदूक लेकर घर में आता है। केली जोन को देखकर काफी डर जाती है। जोन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी टाइगर जोन पर हमला कर देता है और उसे जिंदा ही खाने लगता है। इसका फायदा उठाकर केली अपने भाई के साथ वहाँ से भाग जाती है।